अब हम बहुत हमारे त्योहार हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो सच है उसको चाहे हम आज बोले चाहे और कोई बोलेगा आने वाले समय में, सच को कोई रोक नहीं सकता, छुपा नहीं सकता। आजकल गणेश जी के पीछे लगे हुए हैं लोग कि गणेश चतुर्थी आ गई, स्थापना कर दी। कुछ लोग बॉम्बे से आए, उन्होंने कहा गणेश चतुर्थी के पर गए थे, स्थापना करवा के आए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उनकी आंखों में देख रहा साधना ही नहीं है, अभ्यास ही नहीं है, मूलाधार जागृति ही नहीं है। गणेश जी का क्या लाभ हुआ? ये जो चली रिवाज, ये शिवाजी महाराज ने लोगों को इकट्ठे करने के लिए, फसल का समय था इसलिए स्थापना की गई कि फसल सुरक्षित रहे, ओलावृष्टि ना हो, कोई किसी प्रकार की आपदा विपदा न आए। और ठीक ठाक 10 दिन की ही फसल होती है, वो कटाई के बाद फसल कटी 10-11 दिन के बाद, और गणेश जी को मिट्टी के गणेश जी बनाते थे, घास फूस के गणेश जी बनाते थे, विसर्जित कर दिया समुंदर के अंदर, प्रवाहित कराए, डाल आए, हो गया। लेकिन ये फिर शहरों में चला गया, गांवों से, गांवों में तो ठीक था फसल के लिए करते थे, शहरों ने अपने आध्यात्मिक अर्थ निकाल लिए कि उसका हाथी का मुख है, 10 दिशाओं का संकेत है, दांत अलग संकेत है, मुसक अलग संकेत है, बड़े बड़े कान अलग संकेत हैं। विद्वानों ने अपने अर्थ निकाल लिए और फिर सोचने लगे। वो शहरों में घुस गया, शहरों में जाने के बाद मैं पढ़ रहा था अखबार के अंदर, करीब 85-90 हजार मूर्तियां, 90 हजार मूर्तियां एक बॉम्बे के अंदर विसर्जित की जाएंगी। क्या हालत हो गई है, इतना क्या हाल होगा, कितने साल चलेगा ये? अब तो देवी की मूर्तियों को भी प्रवाहित करने का रिवाज शुरू हो गया है। पिछले साल बहुत लोग इसी प्रकार से प्रवाहित करते करते उसमें साथ बह गए, जान तक चली गई, हो गई भक्ति, मिल गए परमात्मा, हो गई यही रास्ता है परमात्मा का। क्या वो सीधे जाएंगे मणिद्वीप लोक के अंदर? क्या माता उनकी आत्मा को पकड़ करके अपने लोक में ले जाएगी कि इनको तो मैं अपने लोक में ले जा रही है तो मेरी मूर्ति को बहाते हुए इसमें बह गए जल में? ऐसा नहीं है जी, क्योंकि जहाँ की हमारी साधना है, जहाँ तक हमारी सूरत पहुँची है, जहाँ तक हमने चढ़ाई की है, जहाँ तक हमने पहुँच पाए हैं, जहाँ तक कुंडलिनी जागरण हुआ है, वहीं तक हम पहुँच सकते हैं। ये मात्र संकेत है, मंजिल नहीं है। मैं आप भी देखते होंगे क्या बुरी हालत हो गई है, पैरों के अंदर मूर्तियां पड़ी रहती हैं, लोग मूर्तियों के कागजों के ऊपर, कैलेंडरों के ऊपर
फाड़ फाड़ करके खाने की वस्तुएं डाल डाल करके परोस रहे हैं। वो वही हमारे परमात्मा जिसको आप लोग मानते हैं, दीपक लगाते हैं और उठा करके फिर मौका देख करके कहीं ना कहीं वृक्ष के नीचे, नदियों के किनारे इधर उधर उठा करके रख देते हैं। फिर वो परमात्मा आपके घर से कहाँ जाते हैं? फिर आपकी श्रद्धा कहाँ जाती है? फिर आपका भाव कहाँ जाता है? फिर आपके कान्हा जी कहाँ जाते हैं? जब बोलते हैं कि हाथ टूट गया कि फेंकाओ नदी के अंदर, क्या आपके बच्चे का हाथ टूट जाएगा क्या आप नदी के अंदर फेंकाएंगे उसको? क्या उसका पैर कट जाएगा तो आप नदी के अंदर फेंकाएंगे? बताओ कौन फेंक करके आएगा? कोई तो कुछ लोग तो होंगे, 5-10 हज़ार लोग बैठे हुए हैं और भी संसार है। आपने सुना है कि पैर कट गया, हॉस्पिटल से उठाया और नदी में फेंक दिया, सुना हो तो बताओ। ऐसा क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि हम मात्र भ्रमित हो गए हैं और भ्रम ब्रह्म तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा है। संतों ने अपने वंशजों का, अपने पुत्रों तक को चीर दिया, बलिदान दे दिया, उनके समर्पण कर दिया, प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उन्होंने जीवों को कष्ट नहीं दिया, क्योंकि जीवों को कष्ट देने से हमारे कर्म जुड़ेंगे।